प्रयागराज के हंडिया कोतवाली के बरोद चौकी के अंतर्गत आने वाले ग्राम ओसानपुर में विगत दिनों पीड़ित पंकज विश्वकर्मा के पिता और उसके परिवार का वंश राज और नन्ने से विगत दिनों विवाद हो गया था, जिसका बदला लेने के लिए अगले दिन पंकज के पिता को घर के पास अकेला पाकर दोनों ने जमकर पीटा। पिता को पीटता देख पंकज और घर की महिलाएं भी उन्हें बचाने के लिए इन लोगों को भी दबंगों ने पीटा। घटना की जानकारी डायल 100 पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस घटनास्थल पर नहीं पहुंची। उधर घटना की जानकारी जब बरोद चौकी इंचार्ज को दी गई तो उन्होंने कहा हम कुछ नहीं कर सकते। जब पंकज घटना की वीडियो दिखाई तो चौकी इंचार्ज ने कहा यह घटना वहां की नहीं है, आप अदालत में जाओ, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। पंकज कुमार विश्वकर्मा है। कौन से गांव है? ग्राम ओसानपुर पोस्ट भीटी तहसील हंडिया। बताइए क्या समस्या होती है? समस्या ये है कि हमारे घर में घटना 22 तारीख को नहीं 22 तारीख को उनके यहाँ तिरही थी, जो वंशराज और नन्हे हैं नन्हे के यहाँ तो तिरही थी। तिरही में हमारे पिताजी को बुलाए थे। पिताजी को बुलाने के बाद वो उनको चारपाई से उठाया गया, बेइज्जती के साथ उठाया गया और वहाँ से भगा दिया गया। लेकिन हमारे पिताजी वहाँ से चले आए। फिर यही बात फिर 23 तारीख को सुबह तो वहाँ ट्यूबवेल पर वो खेत पानी भरने गए थे। खेत में वहाँ वहीं पे बैठे थे और वंशराज और नन्हे फिर पूछने गए थे हमें क्यों उठाया गया। तो इतने में वंशराज वहाँ पे आया और नन्हे दोनों मिलके हमारे पिताजी को वहाँ से मारे पीटे। वहाँ से हमारे बाबूजी चिल्ला के वहाँ से भाग के चले आए यहाँ घर पर। और घर पर यहाँ आए तो वहाँ सब लोगों ने दौड़ा के फिर हमारे घर में पूरे परिवार वालों के ऊपर हमला बोल दिया। और लाठी डंडे सरिया बोतल और हमारे भैंस को भी मारा, मवेशियों को भी मारा, हमारे घर में महिलाओं को भी मारा पीटा गया। लेकिन हम वहीं से एक वीडियो हमने बना लिया था लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो आपको जब आपके यहाँ झगड़ा हुआ था तो आपको चौकी पे संपर्क करना चाहिए या फिर आपको 100 नंबर पे फोन करना चाहिए? हाँ, हमने 23 बार 100 नंबर पे फोन किया था, मोबाइल में रिकॉर्ड है। लेकिन वहाँ से इमरजेंसी कॉल बता रहा था लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। और मैंने चौकी इंचार्ज को भी बताया लेकिन चौकी इंचार्ज मेरा वीडियो देखा लेकिन बोला कि जाओ तुम हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाओ, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तो वहाँ से हमें भगा दिया गया। बताइए सर हम क्या करें, हम बताइए। तो आप नज़दीकी थाने पे सूचित किए? सूचित किए हम थाने में। वहाँ से आपको क्या आश्वासन मिला? आश्वासन को कुछ भी नहीं, हमारा वीडियो देखे आश्वासन दे दिया गया लेकिन कुछ भी किया गया नहीं। हमारे ऊपर 308 और 325 की धाराएं लगा दी गई जबकि घटना चक्र हमारे घर पर हुई है। लेकिन वो दिखा रहे हैं घटना चक्र वहाँ कजरहिया बारी जो यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है, 150 मीटर दूर है सर वहाँ पे है। लेकिन हमारे घर वीडियो में यहाँ बता रहा है घटना में। हम बताइए हम क्या करें सर, हम पढ़ने वाले बच्चे हैं, कहाँ जाए, किसका सहारा ले। लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, रोज़ गाली 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 फक्कड़ दे रहे हैं, हम क्या करें बताइए।